पापा मुफ्ती की ईडीआई की समन पर जम्मू कश्मीर और खासतौर पर कश्मीर वाली सियासत गर्म हो चुकी है और सियासत में फारूक अब्दुल्ला ने कल अपने स्टेटमेंट में शाम गई ही बता दिया था कि इस तरह के बयान या इस तरह के मामला से जमहूरियत को नुकसान पहुँच रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने भी बताया था कि हालात इससे बेहतर नहीं हो सकते। इशारे के बीच में मोहम्मद अकबर लोन भी आज मीडिया से बोले और दिल्ली से बात कर दिल्ली को मुखातिब करते हुए अकबर लोन ये भी बोल उठे कि मामला संगीन है और इन संगीन मामला में इस तरह के वाकत कुछ और बड़ा असर नहीं दिखा सकते। महबूबा मुफ्ती के संबंध को तनकीद का निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बना ही रही है। पीडीपी के हल्के यही बता रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती को इस दिन जाना ही नहीं चाहिए, उन्हें इस संबंध का बाइकआउट करना चाहिए और मामला ये भी है। पीडीपी के हल्के ये भी बता रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती पर कोई केस ही नहीं है, तो फिर ये समन किस चीज़ की? ये सब सियासत की दोंग्स है और सियासत की दोंग्स में महबूबा मुफ्ती को कॉपरेट नहीं करना चाहिए। ये सियासत की बात, लेकिन और भी मामला हैं कश्मीर में और के मामला हैं कश्मीर में बिजली पानी सड़क के साथ साथ और दूसरे मामला में एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ने कल शाम को श्रीनगर में आला सतीर मीटिंग भी बुलाई थी। ज़मीनी हकायक हालात संभालने की कोशिश भी की और सारे के बीच में बताया जाता है कि विकास की नई रफ्तार कश्मीर में जल्द ही शुरू की जाएगी। सनम आजाद, श्रीनगर कश्मीर।